लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि न्यूटन्स रिंग का फॉर्मेशन वेशर फिल्म के कारण होता है और वो वेशर फिल्म बनती है हमारी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और जो प्लेन ग्लास प्लेट है हमारी जी डैश इसके बीच में जो थिन फिल्म होती है उस फिल्म के कारण हमारे को वेशर फिल्म मिलती है। सेंटर हमेशा इसका डार्क होता है क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो सेंटर है सी इस पे थिकनेस जो फिल्म की है वो जीरो होती है। तो फॉर्मूले में हमारे पास वो होता है 2μT इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस और अगर टी जीरो होगा तो सब वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए सी पॉइंट है ये हमेशा डार्क पॉइंट होगा। अब हम आज डेरिवेशन करेंगे फॉर्मूले के लिए कि न्यूटन्स रिंग की सहायता से हम किसी भी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं जिस जो कि अननोन जो भी वेवलेंथ हो उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये बनाया है हमने। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के नीचे जी डैश जी जो है एक प्लेन ग्लास प्लेट है, सी जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ पे थिकनेस जीरो है और एट द एंड्स जी डैश पे और जी पे जो थिकनेस है फिल्म की वो टी है। अब हम कहते हैं कि ये जो लेंस जिस भी स्फीयर का पार्ट था उसको हमने कंप्लीट किया इस सर्कल से, इस सर्कल को कंप्लीट किया तो जो सेंटर से डिस्टेंसेस होंगे सारे जो रेडियस है वो कहलाएगी आपकी वक्रता त्रिज्या, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस ए सी है वो आर होगा, सिमिलरली ए बी ये भी कैपिटल आर होगा। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस टी है तो ई और सी डिस्टेंस भी आपका टी हो गया, तो ई ए जो डिस्टेंस है वो हो गया टोटल दिस आर माइनस टी। ए बी ये भी त्रिज्या है तो ये वक्रता त्रिज्या आर के बराबर हो गई। सी जो है वो सेंटर है जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है, तो सेंटर के चारों तरफ जब इस तरह की रिंग्स बनेगी तो जो सी और से इधर वाला डिस्टेंस होगा ये किसी भी रिंग की रेडियस होगी। डिपेंड करता है कि हमारी डार्क या ब्राइट जो भी रिंग बन रही है उसका रेडियस के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल काम में लेते हैं ए ई बी। इस ट्रायंगल की सहायता से हम देखते हैं कि यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर प्लस आर माइनस टी का होल स्क्वायर। ट्रायंगल लिया हमने ए ई बी, अब यहाँ से इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो हम देखेंगे कि आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और यहाँ से आर एन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2RT माइनस टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि टी स्क्वायर जो है टी बहुत ही छोटी टर्म है क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि व्यतिकरण सिर्फ अत्यधिक पतली फिल्मों में ही पॉसिबल होता है। अगर फिल्म की मोटाई ज़्यादा होगी तो पथांतर कलांतर ज़्यादा होंगे और जो इनिशियल कंडीशन है इंटरफेरेंस की के जो हमारे सोर्सेज है कोहेरेंट होने चाहिए तो कोहेरेंसी की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ वहीं लागू होगा जहाँ पे कि अत्यंत पतली फिल्मों को हम काम में लेते हैं। तो टी का मान बहुत कम होने के कारण टी स्क्वायर और भी कम होगा, इसलिए हमने नेग्लेक्टिंग टी स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थिकनेस हो जाएगी आर एन स्क्वायर अपॉन 2R के बराबर से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं कि फॉर वेवशेप फिल्म हमने पहले वाले वीडियोस में देखा है कि वेवशेप फिल्म के कारण पथांतर का मान जो हमने ज्ञात किया था वो होता है पथांतर इज इक्वल टू 2μT कॉस ऑफ आर। और यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर प्रकाश अविलंब रूप से आपतित है जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया था न्यूटन्स रिंग के कि हमने एक 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास प्लेट लगाई थी जिससे प्रकाश जब इस पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट पे पड़ रहा था तो वो परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा था, अविलंब रूप से आपतित हो रहा था। अविलंब रूप से आपतित होने का मतलब है कि जो आपतन कोण है वो जीरो हुआ तो जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी जीरो हो जाएगा। तो आर की वैल्यू जीरो को टेंड करती है अगर तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2μT cos ऑफ 0, cos 0 इज 1, देयरफॉर दिस डेल्टा इज इक्वल टू 2μT। तो पथांतर का मान आ गया हमारे पास कि जो पथांतर है वेशर फिल्म में वो 2μT पे निर्भर करता है। अब हम पहले निकालते हैं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और लाइट हम ले रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण। अब रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण जो वैल्यू है हमें बताया पथांतर का मान, ये भी हम पिछले उसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बाद जब वेशर फिल्म की थी वहाँ पे हम ये निकाल चुके हैं कि जो पथांतर है वो होता है 2N(λ/2) के बराबर। इक्वेशन 2 और 3 दोनों ही पथांतर के मान को दर्शा रहे, इन दोनों को इक्वेट किया हमने तो इक्वेशन हमारे पास आ गई 2N(λ/2) इज इक्वल टू 2μT। और ये जो इक्वेशन है 3, इस इक्वेशन की में हमने टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट करी है यहाँ पे इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई N लेमडा इज इक्वल टू 2
और टी की जगह हमने रख दिया इक्वेशन वन से आर एन स्क्वायर अपॉन टू आर के बराबर। जब इसी को सबको सॉल्व किया तो आर एन स्क्वायर का मान आ गया एन लेमडा कैपिटल आर अपॉन म्यू। और इक्वेशन फोर हमारे को क्या शो कर रही है, रेडियस ऑफ एनथ डार्क रिंग। ये हमने जो कंडीशन निकाली है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकाली है, इसका मतलब ये किसी भी एनथ डार्क रिंग, ये एन की वैल्यू हमारी वन से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम इनकी डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिंग के लिए क्या हो जाएगा, आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा आर अपॉन। सिमिलरली अगर टू सेकंड रिंग की निकालनी है हमें रेडियस डार्क की, तो आर टू रख जाएंगे। इस तरह से हमें अलग अलग डार्क रिंग जहां पे की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उनकी सबकी रेडियस का मान हमें मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यही कंडीशंस ब्राइट रिंग के लिए निकालती हूँ, तो हमें पता है फॉर ब्राइट रिंग्स क्या होता है, सिमिलरली फॉर एनथ ब्राइट रिंग जो पथांतर का मान है वो होता है हमारे पास 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। और इक्वेशन दो से बराबर करने पर इसको, क्योंकि वो भी पथांतर का मान है, तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी के बराबर। तो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 2 म्यू इंटू टी। इक्वेशन वन से टी की वैल्यू रख दी हमने आर एन स्क्वायर अपॉन 2 आर, तो इक्वेशन आ गई आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा आर अपॉन 2 म्यू। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन जो 5 है हमारी, ये जो इक्वेशन 5 है ये हमें रेडियस देती है nth ब्राइट रिंग का। अब यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो इक्वेशन 4 से क्योंकि वो रेडियस का स्क्वायर था, तो अब मैं डायमीटर का स्क्वायर अगर कैलकुलेट कर रही हूँ तो ये हो जाएगा डायमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर एन स्क्वायर। और आर एन स्क्वायर की जो वैल्यू है मैं लास्ट आर्टिकल की इक्वेशन 4 से रख रही हूँ, तो वो हो गया आपका 4 एन लेमडा आर अपॉन यू के बराबर। ये हमारे पास आ गया किसी एनथ डार्क रिंग का रेडियस का डायमीटर का स्क्वायर। सिमिलरली किसी भी ब्राइट रिंग के लिए अगर मैं ये कैलकुलेट करूँगी, तो वैसे के वैसे ही करेंगे हम, डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर एन स्क्वायर। और अब ब्राइट रिंग के लिए जो ये वैल्यू होती है वो होती है 2 इंटू 2n प्लस 1 लेमडा आर अपॉन म्यू के बराबर। तो इक्वेशन 6 और 7 मेरे पास ऐसी दो इक्वेशंस आ गई जिनकी हेल्प से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं डायमीटर स्क्वायर की वैल्यू किसी भी डार्क या ब्राइट रिंग के लिए। अब हमें, जैसा कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमें डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ करना है, हमें तरंग दैर्ध्य का मान निकालना है। तरंग दैर्ध्य का मान निकालने के लिए जैसा कि हम क्या करते हैं कि हमने जो ये कंडीशंस निकाली है इक्वेशन 6 और 7 में, वो nth रिंग के लिए निकाली है। हम कहते हैं किसी दोनों में से, मैं मान लीजिए इसके अंदर इक्वेशन 6 को यूज़ करती हूँ डार्क रिंग के लिए, और इसी तरह से हम ब्राइट के लिए भी सेम एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि जो फाइनली लैम्डा की वैल्यू है, चाहे ब्राइट रिंग के लिए कैलकुलेट करूँ मैं, चाहे डार्क रिंग के लिए करूँ, दोनों के लिए सेम होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक डार्क रिंग के लिए कैलकुलेट करके बताती हूँ, ब्राइट रिंग के लिए आप लोग खुद करके देखिएगा कि यही एक्सप्रेशन वापस आएगा। तो फॉर एन प्लस पी